पतंग तेरी है, थोड़ी और थोड़ी पतंग 5-7 रुपए की आती है पतंग, वैसे इतनी महंगी है। तो भाई तगड़ा ही काम हो गया भाई, मैं जिस बस के अंदर आ रहा था ना भाई, उस बस के अंदर चोरी हो गई भाई। एक वेलकम बैक टू आवर चैनल द कुकरा व्लॉग्स। तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि मैं बैठा हूँ गाइस, अब मैं सोने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये दो कमीने ना मेरे आसपास घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक देखो वो रहा गाइस और एक। तो गाइस अभी तो मैं व्लॉग स्टार्ट ही किया है मैंने। तो भाई अगर आपको ऐसे मेरे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने हैं और मेरे साथ में दो भाइयों को भी देखना है, तो भाई चैनल पे बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, समझ गए, और लाइक भी करना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा मैं चलो थोड़ा देर मैं सो लेता हूँ, तब तक मैं दूसरे भैया को देता हूँ फोन, वो अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, वही दिखाएंगे गाइस हमारे को। चलो इस आज के व्लॉग की एंट्री, मतलब एंट्री क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग, इंट्रो, स्टार्टिंग इसने किया है, देखे आपने। तो आप बताना भाई आपको इससे इंट्रो करवाना है डेली या फिर मेरे से, तो मैं तो इनको दिखाऊंगा गाइस आज आपको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये बड़े बड़े हो गए, तो क्योंकि उस मोहल्ले में गंदगी करते थे वहाँ पे हमारे पीछे, तो मैंने उनको भगा के इधर शिफ्ट कर दिया गाइस, अब इनको यहाँ बैठाएंगे। काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये देखो गाइस एक यहाँ पे बैठा है स्टूडियो के अंदर, और एक इससे मिलो ये भाग रहा है गाइस, और एक ये देखो, एक ये देखो, इसको खाद खोलने से फुर्सत नहीं मिल रही गाइस, काफ़ी दिन हो गए गाइस इनको दिखाए हुए। बच्चों की छुट्टी हुई है तो गाइस अभी थोड़ा टाइम लगेगा पतंगों को लंबी करने के अंदर, बच्चों को आने के अंदर, तो बस अभी यहाँ पे बकरियाँ चल रही है उनको देख रहे हैं भाई दोनों बैठ के पीछे देख ऐसे बकरियाँ चल रही है कुछ हमारे खेतों के अंदर ये देखो भाई कितनी सारी बकरियाँ आ रखी है, ये देखो ये अकेला इधर खड़ा है, मुस्टंडा मुस्टंडी बोल दिया गोरा देखा इस मुस्टंडा, देखो गोरा मुस्टंडा अकेला ही खाता है वो सब कुछ, छाप है ये। तो गाइस इनके ऊपर जो मेहंदी का छाप लगा रखा है इनकी छाप है क्या भाई, ये बकरियाँ इसके रेवड़ की है पूरी, इसके रेवड़ की इसके रेवड़ की है पूरी बकरियाँ गाइस, और इधर भी है देखो गाइस, ये देखो गाइस ये चराने वाला है ब्रो, चलते हैं गाइस। वो देखो गाइस अभी हमारी पतंग वहाँ पे है लेकिन भाई हाँ उसके नीचे देखो भाई ये अटक रहा है गाइस, ये इसको ये बीच में डाल दिया हमारे सद्दा के अंदर लिपट गई, अब ये इसका जो मंजा है वो भी इस पेड़ के अंदर लपट रहा है और हमारी पतंग उड़ रही है आसमान में एक को लटका के, ऐसा कुछ सीन हो रखा है गाइस। देखो दो दो पतंगे हैं ऐसे, कितने लेंथ पे हमारा मंजा आ गया, सद्दा सब कुछ जा चुका है गाइस और किसी ने पकड़ी भी नहीं है गाइस, अभी ये बस उसके अंदर फंस रही है गाइस ये पेड़ के अंदर, और ये पतंग भी उड़ रही है साथ में और वो भी उड़ रही है। मॉर्निंग गाइस सुबह का टाइम है और भाई मैं आ रखा हूँ अपने कॉलेज के अंदर आ चुका हूँ गाइस, और ये देखो भाई एनसीसी वाले सुबह पे लग जाते हैं अपने काम पे, और ये कुछ कॉलेज का ऐसा नज़ारा है गाइस। बाकी अभी धूप ले रहा हूँ गाइस, सही में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है इसलिए यहाँ पे बढ़िया धूप में खड़ा होकर धूप ले रहा हूँ, सुबह की धूप इतनी मस्त लगती है गाइस, क्योंकि भाई एक तो इधर ही रास्ते से आता हूँ पहाड़ वाले से, मतलब इधर गाइस सभी गुड इवनिंग का टाइम है, मतलब शाम का टाइम है गाइस। तो अभी बस ये देखो यहाँ पे एक लट्टू लगा रखा है और यहाँ पे मेरी ये टेबल है जैसे, तो इस पे गाइस मैं अपनी शीट कंप्लीट कर रहा हूँ शीट कवर के, ये देखो गाइस यहाँ पे लैंप की तरह यूज में लेता हूँ गाइस लाइट की क्या। तो गाइस अभी मैं कॉलेज से आ चुका हूँ और भाई जल्दी से कर लेते हैं खाना, खाने में है नमकीन चावल दही। अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए भाई 3-4 दिन से व्लॉग्स भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, मतलब 2 दिन छोड़ के अपने डाल पा रहा था, तो अब भाई 1-2 दिन छोड़ के ब्लॉग्स आएंगे। और अभी क्या है कि भाई अभी 26 से मतलब अभी मेरी 21 तारीख हो गई आज, तो 21 तारीख को मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ अभी, तो भाई 21 तारीख को आज मेरे क्लास टेस्ट तो खत्म हो जाएंगे लेकिन अगली जो 24 है ना उस समय से सेमेस्टर जो स्टार्ट हो जाएंगे, तो भाई अभी 1 महीना बचा और 1 महीने की अब छुट्टियाँ हैं, मतलब आज से लेके मतलब 22 से 23 से लग जाएंगी मेरी छुट्टियाँ, 23 से लेके अगली 26 तक छुट्टियाँ हैं गाइस, और 26 जो तारीख आएगी अपनी इस महीने की 26 तारीख दिसंबर की, तो उसके अंदर अपने को क्या करना है, उसके अंदर है अपना गया इंटर्नशिप का, तो भाई इंटर्नशिप का अब 1 महीना इंटर्नशिप में लग जाएगा और उसी टाइम एग्जाम होगी, तो भाई दोनों काम एक साथ होंगे तो भाई थोड़ा ब्लॉग पे थोड़ा कम फोकस होगा, इसलिए देख लेना भाई अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग और नहीं लगे तो भाई आप मर्जी। 26 तारीख से लेके अगली 26 तक मतलब नेक्स्ट 26 तक मेरी इंटर्नशिप रहेगी, और अभी कॉलेज पहुँच चुका हूँ गाइस, सुबह का टाइम अगर अभी की बात करें तो आज लास्ट एग्जाम है और फिर उसके बाद में लेकर पे चलेंगे, आज ब्लॉग आ जाएगा और उसके बाद में कल भी शायद आपको ब्लॉग मिल जाएगा, मतलब ब्लॉग आपको जो मिल ही जाएंगे रेगुलर। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज के अंदर भाई, आज लास्ट टेस्ट है सही में, काफ़ी ज़्यादा खुशी है मेरे को।
तो भाई तगड़ा ही काम हो गया भाई। मैं जिस बस के अंदर आ रहा था ना भाई, उस बस के अंदर चोरी हो गई भाई। एक दो औरतें चढ़ी, उसके पीछे भाई चार औरतें थी, और चार औरतें उसके पीछे चढ़ गई, और उसके बैग में से पर्स जो फोन था और पर्स उस दोनों निकाल लिया गाइस। और बस फिर उनको भाई बीच में रुकना पड़ा गाइस। तगड़े होते हैं भाई ये सीन चोर, मतलब तगड़ी। मैंने उनको पहचान लिया भाई, पूरी बस खाली पड़ी थी, मतलब चार औरतें पीछे से चढ़ रही है और उसके बाद में वापस क्यों उतरी भाई? और उनको बैठना ही नहीं था, ऐसे नहीं, ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं। कहा भाई सीट खाली नहीं है भाई, पूरी सीटें खाली पड़ी है तो भी क्यों उतर रहे हैं भाई? सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप बस में या कहीं पे भी कभी भी ट्रेवल करें तो भाई थोड़ा ध्यान से करें, और ये थोड़ा बैग वगैरह अपना और मंगलसूत्र वगैरह कुछ भी है इनको भाई छुपा के रखें, किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो चोरी हो गया तो काम पेटेंट हो जाएगा। अभी मैं कॉलेज से आ चुका हूँ घर पे, और भाई ये देखो पतंगों का मौसम है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई पतंगे उड़ाएंगे, और चारों तरफ बढ़िया पतंगे उड़ रही है, कोई दिक्कत है नहीं, मज़ा आ रहा है गाइस। जो एग्जाम्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक महीने बाद ही जाएंगे कॉलेज। ये पतंग में भी तंग डाले हैं, और यहाँ से आगे से फट रही थी और तीन चार ये पड़ी। हम चार पतंगे लाते हैं डेली की, उनमें से एक या दो कभी तीन कभी पूरी भी उड़ जाती है, कोई फर्क पता नहीं। और ये देखो भाई क्या कर दिया इसका कांड, मोड़ने के अंदर पूरा मोड़ दिया, जो ठुड्डा हो गया ठुड्डा। तो भाई अभी पतंग वंग तो डाल दिए, पतंग उड़ दो, कितनी बड़ी पतंग उड़ी है देखो, अब पतंग उड़ाएंगे गाइस मस्त। कैमरे के सामने बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलिए। लाइक लाइक शेयर शेयर जोर से बोल शेयर टांड के शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब शाबाश मुर्गे, आज ही कटेगा तू तो। ऊपर लेके चलेंगे, ये देखो बकरा है जो कि इसके अंदर भी थोड़ा डर है, इसको छत के ऊपर लेके चलेंगे, पतंगे दिखाएंगे आज इसको। आजा देख देखते हैं पैदल आता है तो, आजा देखते हैं अगर पैदल आ जाएगा तो ऊपर ले चलेंगे इसको सीधा पैदल। आजा भाई गेट बंद कर लीजिए आप भाई। भाई ये देखो ये एक पतंग टूट चुकी है यहाँ पे आसमान में, अब लड़ाएंगे। देखे भाई आज थोड़ा मौसम खराब सा है, और ये देखो भाई ये डर के बैठा है छत के ऊपर, इसको लग रहा है डर की मारेंगे, अबे नहीं मारेंगे। अरे अरे खेल यार कूद, वो देखो इसकी माँ ढूंढ रही है इसको नीचे, कहाँ ले गए इसको आज, मतलब बेटा आज ऊपर आ गया ये। आजा अरे कल रात को गाइस ये क्या हुआ, तीन चार बार काफ़ी लेट तक भोग के जा रहा तो फिर मैंने इसको भगा दिया लकड़ी से थोड़ा करके, इसलिए डर रहा है अभी ये। आजा देखो भाई वो रही वहाँ ऊपर मेरी पतंग, और भाई अब वहाँ भी काफ़ी सारी पतंगें उड़ लग रही है, तो भाई वहाँ पे उड़ाएंगे, मतलब उनसे लड़ाएंगे, उड़ाएंगे क्या, वो तो उड़ा रही हैं। और ये देखो भाई ले, वो देखो गाइस मेरी काटने में लग रहा है, उसकी काटते हैं पहले फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखो उसको कैसी इच्छा हो रही खेलने की, बावड़ा हो गया है पतंग तेरी है थोड़ी, ओ छोड़ 5-7 रुपए की आती है पतंग, वैसे इतनी महंगी है, खाद खोल ले तो बैठ कर आराम से। अरे खाने की नहीं है बावड़े, खाते नहीं है इसको। भाग गया उसको देखो, अब वो मिल गया। तो भाई इनके वो दांत है ना अभी नए नए, तो इनको खाने की इच्छा होती है गाइस, तो इसको कैल्शियम बोन दौड़ लगा दूंगा।